हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ प्रियांशु पाठक। कुछ बच्चों ने डिमांड की है कि वो बड़े सेंटेंस हो जाते हैं, उनको बनाने में बहुत दिक्कत होती है। इसका मतलब बच्चों को ये नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होता है। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ये कमेंट बॉक्स में हमारे लिखा है कि सर, हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को पहचानने में दिक्कत करते हैं और कोई भी जो लंबा सेंटेंस हो जाता है उसे बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आज आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने का एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। तो आप देखिए मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, मैंने आपसे कहा है कि आपने ऐसा तरीका इससे पहले बिल्कुल भी कहीं ना सुना होगा और ना कहीं आपने देखा होगा। अगर आपने इसको सही से, और हाँ, आप पेन कॉपी उठा लीजिए और उस पर नोट भी कर लेना। अगर नोट ना कर पाओ दोबारा से फिर से देख लेना। आपको एक बार समझने के बाद आप दोबारा कभी ये नहीं कहेंगे सर कि हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नहीं पहचान में आता। तो देखिए ये हमारा लिखा है राम घर जाता है, तो इसमें क्या है, राम जो जिसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, मान लो जहां पे जो चीज, इसको बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं कर्ता, ठीक है, कर्ता, या हम इसको कह सकते हैं मुखिया। किसी भी बात में जो चीज मैन होती है, मुख्य होती है, चाहे वो बात हो, चाहे कोई स्थान हो, चाहे कोई जगह हो, कुछ भी हो, जहां पे कुछ मुख्य होता है उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट, कर्ता या मुखिया या मैं। और इसको ये तो हो गया हमारा पहचानने का तरीका। या फिर हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि बात में जो भी प्रारंभ में आए उसको सब्जेक्ट कहते हैं। उसके बाद अब आप देखना, सब्जेक्ट क्या है, राम है, और राम क्या कर रहा है, जाने का काम, क्या कर रहा है, जाने का काम, क्योंकि राम घर जाता है। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जाए वो क्या होता है, वर्ब, और जिसके लिए किया जाए वो होता है क्या, ऑब्जेक्ट। जैसे कि राम हमारा हो गया सब्जेक्ट और राम क्या कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, तो जाना हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा वर्ब। और किसके लिए कर रहा है, होम के लिए। अगर भाई मान लो राम को घर नहीं पहुंचना, वो क्यों जाएगा, राम वही बैठा रहेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये हमारे जहां तक हमारे हिसाब से है कि राम के द्वारा जो काम किया जा रहा है वो होता है वर्ब, और जिसके लिए किया जाए वो होता है ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आप 10-15 वाक्य देख लो, आप 20 देख लो, 100 देख लो, 200 देख लो, आपको हमेशा यही तरीका बहुत बेहतरीन फिट होगा। जैसे मोहन पत्र लिख रहा है, क्या, मोहन पत्र लिख रहा है, तो उसमें मोहन तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और मोहन क्या काम कर रहा है, लिखने का काम कर रहा है। तो जाहिर सी बात है लिखने का काम मोहन के द्वारा जो भी किया जाएगा वो वर्ब होगा, और जिसके लिए किया जाएगा, किसके लिए कर रहा है मोहन, पत्र के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से सुनीता गाना गा रही है, तो सुनीता क्या कर रही है, गाने का काम, तो गाना हमारा वर्ब हो जाएगा, और जो स्वंग वाला होगा गाना वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चों ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बच्चों ने डिमांड की थी कि सर कुछ भी ज्यादा जो लंबा सेंटेंस ज्यादा है तो बनता नहीं, तो मैंने अभी आपको बताया था सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब को कैसे पहचानते हैं। बस यही करना है इसमें कि हमारा मेन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब क्या है, उसके बाद हम किसी भी सेंटेंस को चाहे कितना बड़ा हो उसे आसानी से सॉल्व करते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने लिखा है राम अपने पिताजी के साथ अपनी माता जी को देखने के लिए आगरा जाता है। तो हम इसे, अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर ये बहुत बड़ा सेंटेंस है, इसको हम नहीं बना पाएंगे। मैं दावा कर रहा हूँ अगर आप सही से इसको एक बार देख लोगे तो आपको दोबारा कोई भी बड़ा सेंटेंस नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ आप तो इसे आसानी से बना सकते हैं। तो भाई देखिए, हमने आपको बताया था कि किसी भी, ये मान लो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, और किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस ए एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब। तो हमें बस इसी के रूल के हिसाब से चलना है, चाहे टेंस कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, किसी तरीके से बनाएंगे। अब देखो, राम अपने पिताजी के साथ अपनी माता जी को देखने के लिए साइकिल से आगरा जाता है, तो इसमें क्या है, राम आगरा जाता है, इतना तो बना सकते हैं आसानी से। तो हम बस यही करेंगे कि राम क्या करेंगे, देखो इधर, राम गो
अब ये राम एकवचन है, हम सब लोग जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिटी टेंस में जब भी एकवचन होता है वहां पर एस एस जोड़ देते हैं वर्ब के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लग जाएगा यस राम गोज टू आगरा। अब जैसा कि हमें पता है उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ऑब्जेक्ट साइकिल भी है, पिताजी के साथ भी है, तो ये तमाम बातें हैं, हमें बिल्कुल कुछ नहीं करना है, नहीं घबराना नहीं है। राम अपने पिताजी के साथ अपनी माताजी को देखने के लिए आगरा जाता है। राम आगरा जाता है किसके साथ? पिताजी के साथ। तो पिताजी के लिए क्या लेंगे? विद हिज फादर। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो किससे जाता है? साइकिल से। किससे जाता है? साइकिल से। राम अपने पिताजी के साथ अपनी माताजी को देखने के लिए साइकिल से आगरा जाता है। तो राम गोज टू आगरा विद हिज फादर। राम अपने पिताजी के साथ साइकिल से आगरा जाता है, तो क्या बनेगा? बाई बाइसाइकिल। अब देखो अपनी माताजी को देखने के लिए, अपनी माताजी को देखने के लिए, तो टू सी हिज मदर बन गया ना हमारा। अब इतना इस प्रकार का, इतना बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी सेंटेंस इसी तरीके से बनाएंगे। हम बस ये पहचानेंगे कि इसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है। अब भाई इसमें मेन था राम और राम क्या कर रहा था? जाने का काम। हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, और कहाँ जा रहा था? आगरा। अब इसमें ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट होता है, अब साइकिल भी ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे पिताजी भी ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन राम किसके साथ गया था? पिताजी के साथ। तो पहले पिताजी के साथ राम गोज टू आगरा विद हिज फादर बाई बाइसाइकिल टू हिज मदर। तो इस प्रकार से अगर किसी भी बच्चे को कोई समस्या रही हो ऐसे सेंटेंसों में जो बड़े हैं उससे बनते नहीं है, और मैं आपको प्रतिदिन ग्रामर की क्लास दिया करूंगा। हमारा आज आपका ये प्रेजेंट का टेंस था। किसी भी प्रकार का कोई टेंस हो, कोई भी समस्या अगर किसी बच्चे को आ रही हो कि सर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब में दिक्कत हो रही है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो मैं सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके यहाँ पर बैठा हूँ। और हाँ, इस वीडियो को कम से कम लाइक और कम से कम सब्सक्राइब करो, जिससे कि हमारा चैनल थोड़ा आगे बढ़े और हम अधिक से अधिक आपको वीडियो दे पाएं, और जितने भी लोग डिमांड करेंगे वो आपको तुरंत मिलेगा। धन्यवाद।